प्रोसीजर्स मतलब हम लोग देखते कि कौन से, जैसे हम लोग दबाए आया, रिस्क के बारे में बात किया, कंट्रोल्स के बारे में बात किया। अभी प्रोसीजर्स हम लोग देखते कि एज एन ऑडिटर मैं कौन से चीज़ें देखूंगा, कौन से स्टेप्स लूंगा, वो सब चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, पहली चीज़ हम लोग प्रोसीजर्स किस चीज़ के ऊपर रहते हैं, तो मेनली फोर थिंग्स के ऊपर होते हैं प्रोसीजर। एक होते फाइनेंशियल पोजीशन जो होता है, बैलेंस शीट होता है, एक होता है पीएनएल के ऊपर, एक होता है हम लोग का एस्टिमेट्स, मतलब अकाउंटिंग एस्टिमेट, जैसे कि डिप्रिसिएशन हो गया, यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट हो गया, वो सब। और चौथा होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, शुरू करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से। पहला चीज आता है बैंक। बैंक में हम लोग बैंक और कैश, बैंक और कैश में हम लोग मेनली सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट हम लोग देख सकते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट देख सकते हैं, हम लोग यूज कर सकते हैं, कैश बुक भी देख सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट्स भी देख सकते हैं, बैंक कंफर्मेशन लेटर भी देख सकते हैं। हम लोग प्रोसीजर्स क्या ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑडिटर कैश बुक ले सकते हैं और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ले सकते हैं, फिर दोनों को चेक कर सकते हैं कि जो अमाउंट इसमें है और इसमें है, दोनों टैली कर रहे हैं कि नहीं। दूसरा वो क्या देख सकता है कि जो बैंक को बैंक का कंफर्मेशन लेटर भेजा है, जो अमाउंट बैंक में दिखा रहा है कि हम लोग के बैंक में कितना अमाउंट है, वो अमाउंट करेक्ट है कि नहीं। और वो देख और क्या देखेगा, वो भी देखेगा कि जो हम लोग का लास्ट मंथ का बैलेंस बचा हुआ है बैंक में, वो कैरी फॉरवर्ड हुआ है कि नहीं हुआ है। फिर हम लोग देखेंगे नॉन करेंट लाइबिलिटी। नॉन करेंट लाइबिलिटी में हम लोग डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, एज बैंक स्टेटमेंट देखेंगे वापस से, हम लोग कैश बुक वापस से देखेंगे, लोन एग्रीमेंट देखेंगे। प्रोसीजर्स क्या क्या हो सकते हैं, प्रोसीजर पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोग जो हम लोग का लोन है वो करेंट लोन है या नॉन करेंट लोन है, दोनों के बीच में स्प्लिट हुआ है कि नहीं। जैसे कि लीज देख सकते हैं, लीज कैसे होता है, लीज में थोड़ा सा पोर्शन करेंट का भी होता है, थोड़ा सा पोर्शन नॉन करेंट का भी होता है। फिर हम और जैसे कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी हो गए, उसमें से स्टार्टिंग के कुछ ईयर्स नॉन करेंट होते हैं, फिर जो लास्ट ईयर होता है वो करेंट लाइबिलिटी वो चीज़ बन जाती है। फिर हम लोग देखेंगे कि वो लोन का ड्यूरेशन क्या है, लोन का ड्यूरेशन फॉर एग्जांपल अगर 10 साल है तो 10 साल तक लोन वापस से रिपे कर रहा है, या उसके बीच में कम था बैंक के साथ कुछ और, मतलब कुछ और कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, जैसे कि गवर्नमेंट ग्रांट ले लिया हमने, गवर्नमेंट ग्रांट अगर आपने कुछ, जैसे बैंक ने बोले कि आपको, गवर्नमेंट ने बोले आपको 4000 एम्प्लॉई लेना है, फिर आपको हर ये पैसे यूज करना, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़े तो 4 साल तक आपका पैसा नहीं रहेगा, वो वापिस आपको 2 साल में वापिस आपको रिपे करना पड़ता है। ठीक है, हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट और पीएनएल हमें चेक करना है, बट हमें बेसिकली क्या क्या करना है, जो जो ऑडिटर का काम है वहां जाके उसकी वेब पे जाके या जहां पे भी घर पे बैठे भी, तो उसकी पीएनएल स्टेटमेंट जितने भी है उसके उसके पास जितने भी एविडेंसेज या जो भी आपको फॉर्मेट दे रहा है वो आपको सब चेक करना है कि वो सही है कि नहीं है, इन विच आप वहाँ पे क्या क्या ढूंढोगे कि वो सारे कंप्लीट है, ठीक है, फिर वो सारे एक्यूरेट है ऑलरेडी जो जो दिए हुए, कि उसमें जो एडजस्टमेंट्स दिए हुए जैसे डेप्रिसिएशन, फिर आरडीडी के प्रोविजंस, बैड डेट, वो सारे सही मेथड से आज आईएफआरएस से फॉलो किए हुए हैं कि नहीं है ऑलरेडी, से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स उन्होंने अप्लाई किए हुए हैं कि नहीं किए हुए, फिर उनके वैल्यूएशन सही है कि नहीं है, सही वैल्यूएशन उन्होंने अप्लाई किया है कि नहीं है, कि जस्ट ऑन अ रैंडम बेसिस वो हर साल ऑन अ रैंडम एस्टीमेट ऑफ द होल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से वो यूज़ नहीं कर रहे हैं। फिर देर आर सम राइट्स एंड ऑब्लिगेशन जो उन्हें ऑलरेडी यूज़ करनी है, जैसे अपना कोड ऑफ गवर्नेंस आ गया, उसमें एथिक्स आ गए कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, कि वो लोग सही से एनईडीज को सही बिठा रहे नहीं बिठा रहे, उनको क्या रेम्यूनरेशन दिए हुए गए हैं, क्या रेट से दिए हुए गए हैं, फिर
वाइल बी कमिंग ऑन द पीएनएल और ये साइड पे जब हम चेक करेंगे तो वी कैन गो ऑन ईच एंड एवरी पार्ट के रेवेन्यूज में क्या क्या उन्होंने बाइफर्केटिवली दिया हुआ है कि रेवेन्यूज में उन्होंने सेल्स ऑफ एसेट तो नहीं उठा के डाल दिया कि रेवेन्यू कम आ रही थी तो उन्होंने वही उठा के डाल दे दिया फिर सेल्स कितने हुए हैं और नॉन एडजस्टिंग कोई नया अचानक से कस्टमर आया तो क्या प्रिवेंशन से उनको क्रेडिट दिया हुआ है फिर नए से अगर कोई आ रहा है कि एज अ नया कोई क्लाइंट आ गया तो वो एज अ जो नॉर्मल क्लर्क्स और जो नॉन कमिंग रेसिडेंट है मतलब वो डजंट हैव द अथॉरिटी टू डू दैट वो भी कहाँ से नहीं आ रहा है वो लोग सही से फॉर्मेट या क्या बोल सकते हैं द रूल्स टू बी फॉलोड इन द कंपनी और तो वो ठीक से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं फिर उसमें आप और भी देख सकते हो माइट बी सेल ऑफ रेवेन्यू वेर वी कम टू द कॉस्ट ऑफ गुड सर्ज वी इवन कैन लुक फॉर द हाउ एफिशिएंटली दे वर वर्किंग कितने इनपुट के हिसाब से कितना आउटपुट उन्होंने जनरेट किया है द एम्प्लॉयमेंट रेट क्या एम्प्लॉयज काम कर रहे थे वो जब एम्प्लॉयमेंट रेट चेक करना है तो आप उसके लिए फ्रॉम द पेरोल सिस्टम आप ये भी देख सकते हो कि वर्किंग मिनट्स क्या हो कितना एफिशिएंटली उन्होंने काम किया जो इन एग्जिट में डेटा लिखना होता है कि क्या क्या आज पूरे दिन में काम किया है नहीं किया है ऑन अ रैंडम सैंपल्स के बाय आर वी आर सिलेक्टिंग सम रैंडम सैंपल्स फ्रॉम द होल डेटा एंड डूइंग अ क्रॉस वेरिफिकेशन ऑन देम लाइकवाइज अगर हम पी एन एल और बैलेंस शीट पे हैं तो बैलेंस शीट में वी कैन गो फॉर आर होल कॉस्ट ऑफ द कैपिटल्स के सही से इन्होंने जो नेट एसेट्स है उनको डिविडेंड्स अगर दिए हुए तो डिविडेंड्स वहाँ डाल के माइनस ना करते इंस्टेड ऑफ सीधा पी एन एल में से प्रॉफिट में से हटाएंगे जो एथिक्स एफ आर एंड एफ एम में जो यूज़ किए गए हैं रूल्स एंड प्रिंसिपल्स वो सही से आते हैं नहीं आते हैं उनको अब्दुल और दीप ने बोला कि अपना प्रोसीजर्स का मतलब क्या है प्रोसीजर्स के करंट असेट करंट लाइबिलिटीज पी एन एल्स के प्रोसीजर्स क्या है स्टेटमेंट में उसमें एक मेन छूट गया है कि हम लोग को जब भी एज अ एग्ज़ाम में या रिपोर्ट देते हैं तब भी एक प्रॉपर गुड राइटिंग ऑडिट देना पड़ता है उसके लिए तीन कीवर्ड्स रहते हैं एक तो रहता है अपना एक्शन शोज एन ऑब्जेक्ट इन शॉर्ट टर्म में बोला जाए तो वॉट नीड टू बी डन how it should be done and why it should be done वो एक key points रहता है कि वो questioning minds रहता है तब ही जाके हम लोग एक proper good audit अपना audit procedures लिख पाते हैं जैसे कि अभी audit procedures में आते हैं कि audit procedures कैसे checkout करते हैं जैसे कि है trade receivables में first of all trade receivable कैसे create होता है जब भी sale करते हैं तभी सेल करते तो फर्स्ट सेल्स इनवॉइस में जाओ सेल्स इनवॉइस वेरीफाई करो सेल्स इनवॉइस क्या तो मतलब गुड डिस्पैच भी हुआ होगा गुड डिस्पैच चेक करो गुड डिस्पैच चेक किया होगा तो एज अ सेल्स हुआ होगा तो आपने कोई क्लाइंट कस्टमर्स को सेल आउट किया होगा तो आज द एक्सटर्नल कंफर्मेशन फिर चेक द बैंक स्टेटमेंट क्यों एज अ ट्रांजेक्शन हुआ होगा तो बैंक स्टेटमेंट भी रिफ्लेक्ट होता होगा एंड प्लस रिसीवेबल्स है तो रिसीवेबल्स को हम लोग को क्रेडिट टर्म्स भी प्रोवाइड किए होंगे तो चेक द एज ऑफ द रिसीवेबल लिस्ट प्लस यस व्हाइल मेंटेनिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट देयर इज द प्रोविजन दिस इज नोन एज ऑल्सो आर डी डी सो वी हैव टू ऑल्सो चेक द आर डी डी दैट दे हैव क्रिएटेड द आर डी डी और नॉट अदर्स गोज टू द यस इन्वेंटरी Inventory procedures, yes. First of all, inventory. How did the inventory comes? Inventory is the thing which comes in a day-to-day routine life. It normally used in work in progress. First, check the existences and completely necessary and attend the inventory count. Physical check. Check the inventory count sheets. Check the yes inventory is also isn't some type of goods so we can check the purchase invoice sales invoices good dispatch notes good receipt notes yes age inventory holding period main holding period we have to check the from how many times our inventory is there in stock check the inventory is not outdated
go to the further as a non-current asset. Non-current asset is the main thing in our financial statement. It plays an important role for our company. For the non-current asset, check the first non-current asset register. Check if the we have purchased the non-current asset. Check the apna bank statement. We purchase invoice. Yes, and also the main thing, the depreciation rates and policies, ownership titles, because we have to check the non-current assets ownership, who is the owner. Main thing is the physical assets. Go further to the liability part. There is a trade receivables. Yes, trade receivables created by the purchases of some goods. So first of all, we have to check the purchase invoice for suppliers of statement, our statements, external confirmations. Payable inventory list. And now for the provisions and contingent liability, we have to recalculate our provisions if we have included in financial statement. We have to confirm if there is any legal obligation from the lawyers. Inspect the board's minute book if there is any obligations. Recalculated the provisions, yeah, it's been over. So go further as a non-current liability procedures. Thank you.